प्रदेश में रहने वालों से अगर पूछा जाए, मियाँ तुम्हारे बाल सफेद क्यों हो गए, कहते हैं जी यहाँ का पानी सही नहीं। यार तुम हर वक्त परेशान रहते हो, तुम्हारा दिल उदास रहता है, तुम्हारे दिल की दुनिया उजड़ी हुई लगती है, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे तुम अभी भी तन्हाई में बैठ के रो के आ रहे हो। यार तुम जवान हो, अभी से तुम्हें दिल की तकलीफ होने लग गई, तुम्हारी नजरें कमजोर हो गई है, सेहत खराब हो गई, आखिर क्यों? परदेसी रोते दिल और मुस्कुराते चेहरे से कहता है जी यहाँ का पानी सही नहीं है, यहाँ का पानी सही नहीं है। खुदा की कसम, ये लोग अपना दुख किसी को बताते नहीं, ये लोग अपना दर्द किसी को बताते नहीं। अगर इन परदेसियों के अंदर झांक करके देख लें तो दुखों के अंबार लगे हुए हो। किसी को बहन या बेटी की शादी का गांव, किसी को बीमार बूढ़ी माँ का गांव, कोई बच्चों के सर पर छत के लिए मुशक्कतें काट रहा है, तो किसी ने अपने बूढ़े बाप का कर्ज उतारना है, किसी ने बच्चों को उम्दा तालीम देनी है, तो किसी ने भूख से निढाल बच्चों के मुँह में रोटी का निवाला देना है। खुदा राव मेरे भाइयों और आए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, घर में बैठ के फोन कॉल के जरिए अपने उन मुसाफिरों को ऐसी बात मत कहा करो, मत कहा करो जो बात उनको सारी रात तन तनहा रुलाने पे मजबूर कर दे, खून के आंसू रोने पे मजबूर कर दे। वो जो सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी औलाद के पेट के लिए दिन रात मेहनत और मुशक्कतें काट रहे हैं, ना कड़कती धूप देखते हैं ना तत्ती रेत देखते हैं। खुदारा दुआ किया करो अल्लाह उन मुसाफिरों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे।